जब 2000 रुपए के नोटों को सरकार ने सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया तो जोर शोर से कहा गया कि ये काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट टू है। ऐसा ही वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद भी कहा गया था, लेकिन तब भी काले कुबेरों ने अपने काले धन को सफेद करने के लिए तरह तरह के तरीके ईजाद कर लिए थे। और अब 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद एक बार फिर ऐसा ही उसके लिए भी हो रहा है। पिंक नोट में भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के पैसे को ठिकाने लगाने वाले अब एक्टिव हो चुके हैं। और हमारा ये खुलासा पिंक नोट को गोल्डन करने वाले काले जादू से जुड़ा है, तो इसे देखिएगा जरूर। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर देश के कई नामी गिरामी ज्वेलरी शोरूम में 2000 के नोटों के बदले सोना यानी गोल्ड बेचने के खेल का खुलासा हुआ। इस खुलासे में आप देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स काले धन के बदले गोल्ड बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस खुलासे में आप ये भी देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स 2000 रुपए के नोटों में पेमेंट लेकर बिना बिल काटे गोल्ड बेच रहे हैं, यानी सोना बेच रहे हैं। और 2000 रुपए की गड्डियां लेकर आने वाले लोगों को गारंटी भी दे रहे हैं कि जितना चाहे काला धन लेकर आओ और बदले में हाथों हाथ गोल्ड लेकर जाओ। यानी पिंक नोट को गोल्डन करने वाले इस काले धंधे का एक एक सच आज आप डीएनए में देखेंगे। और इस खुलासे को हमने ऑपरेशन पिंक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि 2000 के जिस नोट को गोल्ड में बदलने का ऑफर बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम में चोरी छिपे दिए जा रहे हैं, उस नोट का रंग है पिंक यानी गुलाबी, जिसके काले कारोबार का खुलासा करने वाली हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वन अब हम आपको दिखाते हैं। डीएनए में आज हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वो 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस ले रहा है। कैश ले तो क्या रेट पड़ेगा? कैश में पिंक तो नहीं है। हमारे देश में इन दिनों काला धन को सफेद करने का गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस गोल्डन पीरियड में दो तरह के लोगों की चांदी है। पहला, जिसके पास 2000 के नोट में छिपाया हुआ काला धन है, और दूसरा ज्वेलर्स यानी सोना चांदी बेचने वाले कारोबारी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जितनी तस्वीरें आ रही हैं, ये सभी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग ज्वेलर्स की। हमारा मतलब यह है कि ये लोग नामी गिरामी ज्वेलर से जुड़े हुए हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो गोल्ड का इस्तेमाल ब्लैक मनी खपाने में करते हैं। जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार ग्राहक बनकर पीतमपुरा स्थित पीपी ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात दो लोगों से होती है। सफेद शर्ट पहने ये दोनों शख्स पीपी ज्वेलर्स के स्टाफ, लेकिन बातचीत एक एक कर होती। इस बातचीत का पहला अंश सुन। तो कैश ले तो क्या रेट पड़ेगा? कैश में पिंक तो नहीं है? हाँ, पिंक 2000 का नोट ना। अरे गजब कोडिंग होता है, 2000 का नोट ही है। 2000 का? कितना पड़ेगा? 66 का। कितना ज्यादा आ रहा है? 3000 रुपये ज्यादा। जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार ने ग्राहक बनकर इनसे पूछा कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। पीपी ज्वेलर्स का जवाब था 10 ग्राम गोल्ड का दाम 63,000 रुपए। लेकिन अगर 2000 के गुलाबी नोट में गोल्ड खरीदे जाते हैं तो 10 ग्राम गोल्ड के दाम 66,000 रुपए हो जाएंगे। यानी 2000 के नोट देने पर पीपी ज्वेलर्स 10 ग्राम गोल्ड के दाम
3,000 रुपए ज्यादा वसूल रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपी ज्वेलर्स ने 2,000 के नोट का एक कोड वर्ड रखा है और ये कोड वर्ड है पिंक। मतलब ये है कि यहाँ के स्टाफ ने अगर पिंक बोला तो समझिए 2,000 रुपए के नोट की बात हो रही है। हमने ज्यादा दाम वसूलने की वजह भी पूछी, सवाल के साथ जवाब भी सुने। कारण क्या पिंक के कारण? हम भी बैंक में अपनी जमाई का बिल कार्ड करना पड़ता है कि 10 रुपए का बिल है, तो इस वजह से 2,000 के नोट कम मिले थे। इस बातचीत के बीच ही एक और स्टाफ आता है और ये भी कोड वर्ड पिंक के जरिए 2,000 रुपए के लेन देन पर बात करने लगता है। आपको कितना चाहिए? मेरे पास ना, मैंने लिखा था, बताया था ना। अच्छा, आपने तो लिखा ही है पिंक नोट है, पिंक है, ये नया कोडिंग है, पिंक सिटी। ज़ी न्यूज़।